हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी गुड़ टकिया कवर। इसको किस तरह से कटिंग करना है और किस तरह से स्टिचिंग करना है, आज मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए, हमें इसी का साइज़ के हिसाब से काट करना है। तो सबसे पहले हमें इसका लंबाई का मेजरमेंट लूँगी। ये देखिए, यहाँ से लेना है लंबाई। इसका लंबाई है 36 इंच। तो ये एक साइड की तरफ से बॉन्ड रहेगा और एक साइड की तरफ से खुला रहेगा। जिस साइड से हमें खुला रखना है उसी साइड की तरफ से हमें 2 इंच के जैसा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखूँगी। फिर इसको हम 1.5 इंच तक फुल करूँगी। ये देखिए, इसका गुलाई का मेजरमेंट है। ये देखिए, 18 इंच तक हम लूजिंग रखूँगी। तो फिर हम तकिया का कवर को साइड की तरफ से रख दूँगी। तो अभी हम फैब्रिक में काट कर लूँगी। फिर देखिए, अब इसको किस तरीके से काट करना है। इसमें 2 फुल किया हुआ है, हम 1 फुल में लूँगी। ये देखिए, यहाँ से फिर हम इसको 2 फुल कर लूँगी। ये देखिए, तो हमें अभी लंबाई लूँगी अच्छे से मिलाने के बाद। इसका लंबाई है 36 इंच, तो हम एक्स्ट्रा 2 इंच ज़्यादा रखूँगी। तो टोटल हम 38 इंच तक रखूँगी। फिर हम 38 इंच का निशाना को हम सीधा कर लूँगी। उसके बाद हम इसको काट कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ से काट कर लूँगी। काट कर लेने के बाद देखिए, अभी हम इसको इस तरीके से 2 फुल कर लूँगी। और यहाँ से हमें गुलाई के चौड़ाई ले लूँगी, यहाँ से 18 इंच, और यहाँ से भी 18 इंच बराबर लूँगी। यहाँ से भी 18 इंच, फिर इसको हम सीधा मिलाऊँगी। फिर यहाँ से देखिए, काट कर लूँगी। फिर देखिए, इस कॉर्नर में से हमें इस तरीके से 4 फुल में तीसरा कर लूँगी, जैसे कि हम अम्ब्रेला काट में काट करते हैं ठीक उसी तरीके से। तो अभी देखिए, यहाँ से 3 इंच तक रखूँगी और यहाँ से भी 3 इंच, हर जगह से 3 इंच का निशाना लगाऊँगी। उसके बाद इसको काट कर लूँगी। ये देखिए, इसको इस तरीके से काट किया है। उसके बाद हम डोरी काट कर लूँगी। और यहाँ से हमें डोरी काट कर लूँगी। उसके बाद देखिए, यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड कर हम सिलाई कर लूँगी। इस साइड की तरफ से हमें ओपन रखना है, तो यह मैं दूरी के लिए सिलाई कर रही हूँ। हमें सिलाई करने से पहले 1/2 इंच से हमें छोड़ कर रखा है, दोनों साइड की तरफ से हमें 1/2 इंच से छोड़ कर रखूँगी। और देखिए, यहाँ से भी हम 1/2 इंच से छोड़ दूंगी। फिर देखिए, जहाँ से 1/2 इंच से छोड़ दिया है, इसको इस तरीके से बराबर मिलाकर हम नीचे की तरफ से पूरा सिलाई सिलाई कर लूँगी। इस सिलाई को डबल सिलाई कर लेना है। यहाँ से देखिए, डोरी लगाने के लिए हमें 1/2 इंच जैसा हम छोड़ दूंगी। फिर जो भी एक्स्ट्रा है इसको हम सिलाई कर लूँगी। गोल वाली इसको हम एक साइड की तरफ से बॉन्ड रखूँगी और एक साइड की तरफ से ओपन रखूँगी। देखिए, जिस साइड की तरफ से हमें बॉन्ड रखना है उसी साइड की तरफ से हम छोटा छोटा प्लेट लगाकर पूरा घुमाकर सिलाई कर लूँगी।
ये देखिए सिलाई कंप्लीट है। तब हम इसके लिए डोरी सिलाई करूँगी। यहाँ पर इससे देखिए डोरी सिलाई कर लूँगी। इसको इस तरह से फुल करके हम और एक बार फुल करूँगी। तो टोटल हम थ्री फुल करके यहाँ से सिलाई कर रहे हो। फर्स्ट हम दो तरीके से इस तरीके से फुल किया है और सेंटर से और एक बार फुल करके हम यहाँ से सिलाई कर लूँगी। ये देखिए सिलाई पूरा कंप्लीट है। तो अभी हम इसको लगाकर देखूंगी। सबसे पहले हमें यहाँ से डोरी लगाना है। तो डोरी को हम पहले सेफ्टी पिन से लगा लूँगी। इस तरीके से हमें धीरे धीरे से सेफ्टी पिन को बाहर की तरफ से खींच कर लाना है। ये देखिए तब हम तकिया लगा कर देखूँगी ये साइज ठीक है कि या नहीं, थोड़ा चेक तो करना होगा। और ये देखिए ये इस तरह से बांध देगा। तो ये देखिए राउंड पिलू कवर पूरा सिलाई कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।